स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट टेस्ट मैच रिव्यू। तो बिना देरी के यहाँ वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, ये मैच ग्रीन पार्क कानपुर के ऊपर खेला जाएगा और ये मैच करीबन सुबह के 9:30 बजे स्टार्ट होगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहाँ पे बहुत कुछ मिस कर रहे हो। पर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ना लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है, फाइनल टीम्स आती है, ये मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे कर सकते हो, मैं क्या करूँगा आपको पता है। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे टॉप पे पिन करके दे दूंगा, जिसके ऊपर पहले से 1,00,000 लोग जुड़े हुए हैं। तो आप भी उठ सकते हो, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इस वेन्यू के ऊपर लास्ट रेड बॉल का मैच हुआ था 11 जनवरी 2020 को, जो खेला गया था यूपी वर्सेस बड़ौदा के बीच में। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। प्लस दोस्तों मेरे पास ना आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज के कुछ फोटोज हैं, तो आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ फोटोज के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो पिच रहेगी दोस्तों कानपुर की, आपको यहाँ पे इस तरह से दिखने वाली है। इस पिच के दोस्तों खासियत के, जो पिच है दोस्तों कानपुर की ग्रीन पार्क की, ये पिच ना दोस्तों बैटर फ्रेंडली है। यहाँ पे दोस्तों रन्स बनते हैं, यहाँ पे औसतन ना पहली पारी के अंदर 400 के आसपास रन्स बनते हैं। इसका मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पे कह सकते हैं day 1, day 2 और day 3 पे दोस्तों बैटर्स को यहाँ पे मदद मिलती है। फिर आप बताऊँ दोस्तों क्या होता है, जैसे जैसे यहाँ पे मैच आगे चलता जाता है ना, तो फिर आता है day 4 और day 5, तब दोस्तों यहाँ पे स्पिनर्स ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों बॉल यहाँ पे टर्न लेती है। पिच के ऊपर दोस्तों क्रैक्स धीरे धीरे खुलने लग जाते हैं, क्योंकि पिच के ऊपर ना बैट्समैन दोस्तों भागते हैं, बॉलर्स बॉलिंग कराते हैं, तो निशान पड़ जाते हैं, ठीक है, काले काले रफ सरफेस बन जाते हैं, ठीक है। तो उस पर क्या होता है, जब बॉल गिरती ना तो स्पिन लेती है। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों स्टार्टिंग में यहाँ पे बैटर्स को मदद मिलेगी, फिर बाद में दोस्तों स्पिनर्स का रोल यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। और आपको बताइए दोस्तों, स्पिनर्स इंडिया के अंदर जब भी मैच होता ना तो ज्यादा आउट्स वही करते हैं, पेसर्स दोस्तों कम बॉलिंग करते हैं एज कम्पेयर टू स्पिनर्स इन एशिया। तो आप पिच को यहाँ पे देख सकते हो, ये स्टेडियम का दोस्तों व्यू है, टॉप क्लास स्टेडियम दोस्तों ग्रीन पार्क कानपुर, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की फोटो से दिखा दी, अब दोस्तों यहाँ पे स्टैट्स की बात कर लेते हैं। तो अब देखो स्वनी के ऊपर ना लास्ट इंटरनेशनल मैच कब हुआ था, टेस्ट मैच का, ये हुआ था दोस्तों 2016 के अंदर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में दोस्तों मैच खेला गया था और उसको दोस्तों इंडिया ने जीता था। अब देखो स्वनी के ऊपर ना ग्रीन पार्क कानपुर के ऊपर इंडिया ने आज तक 3 मैच खेले, तीनों के तीनों जीते हैं दोस्तों 2008 से। वहीं न्यूजीलैंड की बात करते हैं, एक ही मैच खेला दोस्तों यहाँ पे 2016 के अंदर, वो दोस्तों न्यूजीलैंड हारी थी। जो टीम बैट फर्स्ट करी है, एक मैच जीती है यहाँ पे और 2 मैच दोस्तों पे ड्रॉ हुए हैं आउट ऑफ लास्ट 3 गेम्स। अब देखो यहाँ पे औसतन स्कोर ना 300 से 350 आपको बनता हुआ दिखेगा। लास्ट 3 मैच में क्या हुआ था, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको बताएगा दोस्तों आपको क्या यहाँ पे पेसर्स लेना है, मतलब तेज गेंदबाज, या फिर दोस्तों आपको यहाँ पे स्पिनर्स को कंसिडर करना है। ये देखो आप पेसर्स ने यहाँ पे ना 31 विकेट निकाले लास्ट 3 मैच के अंदर, पेसर्स मतलब होता है तेज गेंदबाज। राइट आर्म पेसर्स 18 विकेट्स हैं, लेफ्ट आर्म पेसर्स 13 विकेट है। तो मैं कह सकते हैं दोस्तों लेफ्ट आर्म पेसर्स ने भी यहाँ पे अच्छा करा था। यहाँ पे दोस्तों एक मैच हुआ था यूपी वर्सेस तमिलनाडु का मैच था, ठीक है, तो उसमें दोस्तों अपने होते ना लेफ्ट आर्म पेसर्स, उन्होंने दोस्तों बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी यहाँ पे। तो बन कह सकते हैं लेफ्ट आर्म पेसर भी दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आपको पेसर्स बताऊँ ना, पहली पारी में जो टीम गेंदबाजी करती है ना उनके पेसर्स को आपको लेके चलना है, ठीक है, जो टीम पहले गेंदबाजी करती है उसके पेसर्स को आप कंसिडर कर सकते हो। अब स्पिनर्स की बात करते हैं, तो स्पिनर्स ने दोस्तों फिर लास्ट 3 मैच के अंदर 54 विकेट्स निकाले हैं। अब देखो किस टाइप के स्पिनर सबसे इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर दोस्तों बहुत बड़ा नाम है यहाँ पे, 34 विकेट्स है, ऑफ स्पिनर 16 विकेट्स है, लेग स्पिनर दोस्तों 4 विकेट। तो बन कह सकते हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और आपको दोस्तों पता है जो टीम यहाँ पे बैट फर्स्ट करेगी ना वही सबसे आखिरी में बॉल करेगी day 4 और day 5 के ऊपर, तो उनके स्पिनर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, जो टीम पहले बैट फर्स्ट करती है। फॉलो ऑन मिले वो दोस्तों अलग बात है, ठीक है। जो लास्ट मैच यहाँ पे हुआ था यूपी वर्सेस बड़ौदा, 4 दिन का दोस्तों मैच था, कौन सा, रणजी ट्रॉफी का, 11 जनवरी 2020 को हुआ था। उस मैच के अंदर यहाँ पे 9 विकेट थे पेसर्स के थे, 11 विकेट यहाँ पे स्पिनर्स के थे। सन्नी वेदर रहेगा दोस्तों, सुबह का टाइम रहेगा, सर्दी रहेगी दोस्तों, आपको बताइए अपने नॉर्थ इंडिया के अंदर दोस्तों कितनी सर्दी बढ़ती है। तो आप देखो यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है, देखो आप ये मैच देखो आप 9 बजे मतलब टॉस होएगा ना, 9:30 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे 19 डिग्री यार, तो आप समझ सकते हो कितनी दोस्तों सर्दी रही यहाँ पे। और वीडियो को दोस्तों लाइक करके स्टार्ट करना, स्वागत आप सबका यहाँ पे भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला टेस्ट मैच का अपना आगाज कर रहे हैं। यहाँ पर न्यूज क्या आ रही है दोस्तों, खबर ये आ रही है इंडिया की तरफ से, जिनके रहने टीम को लीड करेंगे, और यहाँ से विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी, बुमराह, ऋषभ पंत को रेस्ट दिया गया। हनुमा विहारी दोस्तों ड्रॉप करेंगे स्क्वाड के लिए, वो भी हैं ब्लॉम फॉर्ट्यून के अंदर जो है साउथ अफ्रीका के अंदर, इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ए खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड की बात करते हैं,
ट्रेंट बोल्ट रेस्टेड है, डेवन कॉनवे का दोस्तों राइट हैंड टूटा हुआ है, देखते हैं क्या होता है, वो तो खेलेंगे नहीं। अब देखो दोनों टीम्स ने आपस के अंदर 2014 से लेकर 21 तक 8 मैच खेले हैं टेस्ट मैच के अंदर। इंडिया जीता है दोस्तों 3, न्यूजीलैंड दोस्तों 4 जीता है। अभी दोस्तों मुझे याद है जून जुलाई का टाइम था, क्या हुआ था उसमें दोस्तों, हुआ था अपना इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड ICC फाइनल मैच था दोस्तों वो टेस्ट मैच का, ठीक है, टेस्ट मैच चैंपियनशिप का, वो दोस्तों अभी भी दिमाग में खेलता है। और उसमें कैली जेमिसन ने किस तरह से बॉलिंग कराई थी, उसमें दोस्तों केन विलियमसन ने गजब पारियां खेली थी, डेवन कॉनवे उसके अंदर, तो देखते हैं दोस्तों क्या बदला ले पाएगा इंडिया। जी हाँ, यहाँ पे ले पाएगा इंडिया की तरफ से वीडियो ओपन करेंगे यहाँ पे मयंक अग्रवाल, केएल राहुल आएंगे, चेतेश्वर पुजारा, शुभमन गिल को दोस्तों कहा जा रहा है मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, देखते हैं क्या होता है, ऊपर भी खेल सकते हैं, अगर ऊपर खेलेंगे तो मयंक अग्रवाल आ जाएंगे शुभमन गिल के बदले। जिनके राणे कैप्टन है दोस्तों, टॉप क्लास प्लेयर है, विधिमानसा, जड्डू, अक्षर पटेल, अश्विन, ईशान शर्मा, फिर आएंगे दोस्तों सिराज, यहाँ पे बेंच के ऊपर रहेंगे प्रसिद्ध कृष्ण, अमीश यादव, श्रेयस अय्यर, जयंत यादव, श्रीघर भरत, और यहाँ पे सूर्य कुमार यादव को दोस्तों स्क्वाड के अंदर ऐड करा गया है। न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो टॉम लैथम ओपन करते हैं दोस्तों, लेफ्टी बैटर है, टॉम ब्लंडेन आएंगे, इस टीम के वाइस कैप्टन है और विकेट कीपर है केन विलियमसन, यहाँ पर दोस्तों क्या है राइट ही बैटर है, कैप्टनसी कर रहे हैं, रॉस टेलर है, हेनरी निकल्स है, डरेल मिचेल, मैथ सैटनर है, कैले जेमिसन, टिम साउदी है, एजाज पटेल, नील वैगनर आपको दिखेंगे। कीपिंग दोस्तों टॉम लैथम करते हैं ज्यादातर टेस्ट मैचेस के अंदर, कभी कभी टॉम ब्लंडन कर लेते हैं, हाई चांसेस है टॉम लैथम आपको कीपिंग करते हुए दिखेंगे। गिव अवे किसके ऊपर है, केन विलियमसन द कैप्टन कूल, हैशटैग स्टैट्स गुरुजी लिखना, बताना आपको दोस्तों KW केन विलियमसन कितने रन बनाएंगे, ठीक है, आपको दोनों पारी को टोटल बताना है। जैसे कि समझो केन विलियमसन ने पहली पारी के अंदर बना दिए 50, दूसरी पारी में बना दिए 50, तो टोटल कितना हो जाएगा 100 रन, तो आपको ऐसे लिखना है केन विलियमसन इक्वल्स टू 100 रन, ठीक है, कमेंट करना आपको। अब देखो यहाँ पे लॉजिकल डाटा एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले आपको बताया दोस्तों, जब भी हमेशा इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच होता ना, और आपको बताया जब इंडिया और इंग्लैंड का मैच हुआ था तब भी दोस्तों आपको मैंने लॉजिकल डाटा पेश करा था। इसमें क्या होता है कि जो हाइटेड बॉलर्स होते हैं ना, इनका रिलीज पॉइंट 2.20 मीटर्स के ऊपर होता है, मतलब आप समझ रहे हो 220 सेंटीमीटर के ऊपर होता है ना जिनका रिलीज पॉइंट, हाथ से जिनकी हाइट ज़्यादा होती है, उनमें से दिक्कत आती है कि इनको रहाने को मात्र 30 के एवरेज है, 6 बार आउट हुए, पुजारा दोस्तों 11 बार आउट हुए हैं जिनकी हाइट ज़्यादा होती है उनके सामने, और एवरेज देखो मात्र 17 की है। तो दोस्तों कैले जेमिसन फिर से इनको परेशान कर सकते हैं, जैसे कि ओली रॉबिन्सन ने बहुत परेशान करा था विराट कोहली को, रहाने को, पुजारा को, आपको याद है ना दोस्तों जब मैचेस हुए थे अपने सितंबर के टाइम पे, फिर अगस्त में जब इंडिया वर्सेस उसकी सीरीज थी इंग्लैंड की। अब देखो यहाँ पे जब दोनों टीमें आपस में खेली तब क्या हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्स हैं, फोकस आपका यहाँ पे होना चाहिए। अब देखो जब मयंक अग्रवाल खेलते हैं किसके खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो दो मैच खेले हैं, टेस्ट मैच के अंदर 102 रन है, 25 के एवरेज दोस्तों, अच्छे प्लेयर हैं, टेक्निक साउंड है दोस्तों, बहुत मेहनत करी है, IPL के अंदर बहुत रन बनाते हैं यार, और जब भी डोमेस्टिक मैच होते हैं उसमें दोस्तों तगड़ा परफॉर्मेंस देते हैं, क्लास प्लेयर है। अब देखो जब मयंक अग्रवाल बैट फर्स्ट करते हैं ना, तो इनकी एवरेज देखो 60-20 की है, और बैट सेकंड करते हैं 74-7 की है। अब आप कहोगे दोस्तों कि आपने दो दो एवरेज क्यों लिख रखी है, तो आपको पता रहेगा दोस्तों टेस्ट मैच में क्या होता है, जो एक टीम रहती है ना या एक प्लेयर, एग्जाम्पल ले लो, एक प्लेयर ना दो बार बैट करता है, ठीक है, तो दो बार हुआ यहाँ पे। अब समझो दोस्तों अगर फॉलो ऑन नहीं मिला ना उसके मुताबिक आपको मैं समझा रहा हूँ, आपको चीज़ों को दोस्तों समझना है, जो समझ जाएगा दोस्तों वो यहाँ पे छा जाएगा, सीधी बात है। अब देखो अगर इंडिया बैट फर्स्ट करती है ना तो क्या होगा, चार पारी होती है, फर्स्ट इनिंग्स में, ठीक है, सेकंड इनिंग्स, फिर फोर्थ इनिंग्स होती है, फिर थर्ड इनिंग्स होती है, आपको बताएगा ना दोस्तों से, ठीक है। तब देखो क्या होता है, अगर इंडिया पहले बैट कर रही है तो क्या करेगी इंडिया दोस्तों, पहले फर्स्ट इनिंग्स के अंदर बैटिंग करेगी, इसमें दोस्तों न्यूजीलैंड बैट कर लेगी, फिर दोस्तों उसमें इंडिया बैट कर लेगी, फॉलो नहीं मिला तो फिर न्यूजीलैंड बैट करेगी, तो ये ना फर्स्ट और थर्ड, मतलब क्या हो गया, बैट फर्स्ट हुआ। चेतेश्वर पुजारा या इन्होंने दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 मैच खेले हैं, 43 की एवरेज है, 772 रन है, हाईएस्ट 159 है, 50+ 6 करें। तब देखो पुजारा कब इंपॉर्टेंट होता है, अब यहाँ पे ध्यान देना है, चेतेश्वर पुजारा वर्सेस न्यूजीलैंड इन टेस्ट मैचेस, बैट फर्स्ट करा है तब देखो 13 पारियों के अंदर 655 रन है, बैट सेकंड में 6 पारी में मात्र 117 रन है। शुभमन गिल आएंगे यहाँ पे, आपको पता है दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, मतलब चैंपियनशिप की जो ट्रॉफी थी दोस्तों टेस्ट मैच की, ना कि चैंपियंस ट्रॉफी, तो उसमें उन्होंने क्या करा था, ऐसी टीम के खिलाफ 28-6 करे थे, अच्छा दोस्तों दिखे थे उस मैच के अंदर, और अच्छे प्लेयर है सब जानते हैं दोस्तों, ये देखो कब इंपॉर्टेंट होते हैं, बैट फर्स्ट में उनकी 14-11 की एवरेज है, बैट सेकंड में देखो आप यहाँ पे 24-74 की एवरेज दोस्तों बैट सेकंड के अंदर। अजिंक्य के राणा आएंगे, 8 मैच 47 की एवरेज है वर्सेस न्यूजीलैंड, 664 रन, 188 है, 50+3 करें। अब देखो जब बैट फर्स्ट करते हैं अजिंक्य के राणे वर्सेस दिस टीम जिसका नाम क्या है न्यूजीलैंड, 12 पारियों 502 रन है, बैट सेकंड में देखो 3 पारियों में 162 रन है दोस्तों, दोनों पारियों में बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मेरे को, तो स्पेशली सेकंड इनिंग्स के अंदर भी इंपॉर्टेंट ही है। विधिमानसा 3 मैच खेला है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, 112 रन है,
और 112 की एवरेज है, 50+2 है, तो अच्छे प्लेयर ये भी माने जाते हैं। जड्डू आएंगे यहाँ पे, 7 मैच 20 विकेट्स हैं वर्सेस दिस टीम न्यूजीलैंड और 267 रन से दोस्तों, ये भी बहुत खास प्लेयर है और इंडिया के अंदर दोस्तों मैच हो रहा है तो यहाँ पे स्पिन दोस्तों होगा, तो जड्डू इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पे आएंगे कौन, अश्विन, 7 मैच 173 रन और दोस्तों 52 विकेट्स हैं, गजब स्टैट्स हमारे, एक नंबर स्टैट्स है ये दोस्तों, प्लेयर वॉच आउट रहेगा आपके लिए, इनको दोस्तों कंसिडर करना अपने प्लान्स के अंदर। अब देखो आएंगे यहाँ पर कौन, अक्षर पटेल, इन्होंने दोस्तों इस टीम के खिलाफ नहीं खेला है पर आपको याद है ना चेपॉक के अंदर दोस्तों टेस्ट मैचेस हुए थे, जहाँ पर जो अपने अक्षर पटेल थे इन्होंने 3 टेस्ट मैच खेले थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड क्या बोल रहा हूँ दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ, क्षमा चाहता हूँ, इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैच खेले थे, उसके अंदर ना टेस्ट मैच के अंदर 3 मैच में 27 विकेट थे इंग्लैंड के खिलाफ, मैं कह रहा हूँ दोस्तों न्यूजीलैंड, मैंने गलती से बोल दिया था, ये मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ इसलिए बोला था ठीक है, तो 3 मैच में 27 विकेट्स थे इनके। ये दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, मेरे हिसाब से परेशान कर सकते हैं यहाँ पे राइट हैंडेड बैटर्स को, जैसे कि रॉस टेलर हो गए, टॉम ब्लैंडन हो गए, केन विलियमसन हो गए दोस्तों, यहाँ पे ड्रैल मिचेल हो गए, ये सब दोस्तों आपको खेलते हुए दिखेंगे। ईशान शर्मा वर्सेस न्यूजीलैंड इन टेस्ट मैच है, 8 मैच में 38 विकेट है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिराज ने दोस्तों 9 टेस्ट मैच खेले हैं, 30 विकेट है दोस्तों, ये भी इंप्रेसिव होते हैं अपने दिन के हिसाब से। उमेश यादव का 5 मैचों में 9 विकेट है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, ये आ सकते हैं तो इनका फर्स्ट क्लास के अंदर 54 मैचेस में 52 की एवरेज है और 4500 रन है दोस्तों, तो बहुत बढ़िया प्लेयर ये भी माने जाते हैं। फिर आएंगे जयंत यादव, ये भी दोस्तों आ सकते हैं इस मैच के अंदर, इन्होंने टेस्ट मैच के अंदर 4 मैच खेले हैं दोस्तों, 28 रन से 11 विकेट्स हैं, तो भी दोस्तों बढ़िया प्लेयर है। बात करेंगे न्यूजीलैंड की, टॉम लैथम की बात करते हैं यहाँ पे, तो 7 मैच खेले उन्होंने अगेंस्ट इंडिया, 30 के एवरेज है, 384 रन है, हाई 74 है, 50+ दोस्तों 5 बार गिरा, लेकिन दिक्कत क्या दोस्तों सामने रहेंगे अश्विन, अश्विन इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, वेयर टॉम लैथम इज अ लेफ्टी बैटर, वो ऑफ स्पिनर है दोस्तों, मैचअप बनेगा अच्छा खासा। बैट वर्स 39 और 42 की एवरेज है, बैट सेकंड में देखो 52 और 24 की एवरेज है, तो अपन कह सकते हैं दोस्तों बैट फर्स्ट और बैट सेकंड में दोनों में दोस्तों बराबर की एवरेज है लगभग। टॉम ब्लैंडन आएंगे, इंडिया के खिलाफ 2 मैच खेले, 39 की एवरेज है, हाई 55, 170 रन है। अब देखो टॉम ब्लैंडन को कब प्रीफर करना है, बैट फर्स्ट 15 और 32 की एवरेज थोड़ी सी कम है, अब देखो बैट सेकंड 44 और 60 की एवरेज है दोस्तों, कड़क प्लेयर है, चेस के ऊपर बहुत अच्छा करते हैं टॉम ब्लैंडन। आएंगे ऐसे केन विलियमसन, 12 मैच 40 की एवरेज है, 2829 रन है अगेंस्ट इंडिया, ये दोस्तों खास खिलाड़ी रहते हैं, कूलेस्ट कैप्टन कह सकते हैं दोस्तों हरिकेन अपने, या आपको याद है दोस्तों किसके अंदर वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर क्या गजब दोस्तों नॉक के लिए थी, हाईएस्ट 181 है इंडिया के खिलाफ, 50+7 है। अब देखो जब केन विलियमसन ना इंडिया के खिलाफ खेले टेस्ट मैचेस के अंदर तो क्या हुआ है, क्यों दोस्तों केन विलियमसन को चेस मास्टर कहा जाता है, क्यों दोस्तों विराट कोहली हो गए, केन विलियमसन हो गए दोस्तों चेस मास्टर कहा जाता है। अब देखो आप यहाँ पे वर्सेस इंडिया 11 पारी बैट फर्स्ट में खेली है, बैट सेकंड में भी 11 पारी खेली है ठीक है, इंडिया के खिलाफ फर्क देखो, बैट फर्स्ट में 333 रन है, चेस के ऊपर देखो इंडिया के खिलाफ जब दूसरी पारी में बैट करते हैं 496 रन है, इज अ चेस मास्टर, ही नोज हाउ टू सेटल द गेम, कैसे दोस्तों गेम को आराम से बैलेंस करके चलना है। बैट फर्स्ट 46 की एवरेज है, चेस के ऊपर 70 और 53 की एवरेज है। रॉस टेलर 15 मैच 870 रन है, 35 की एवरेज है, 50+4 करें। अब देखो इंडिया के खिलाफ बैट फर्स्ट 12 इनिंग्स के अंदर 452 रन है, बैट सेकंड के अंदर 418 रन है 15 पारियों के अंदर, तो कह सकते हैं दोस्तों बैट फर्स्ट के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे दोनों पारी में ठीक ही है। ओवरऑल इनका टेस्ट मैचेस में देखा जाए तो बैट फर्स्ट 56 और 39 की एवरेज है, बैट सेकंड 45 और 40 की एवरेज, तो बैट फर्स्ट में ज़्यादा बेहतर नंबर्स है। हेनरी निकल्स के सामने दोस्तों फिर से रहेंगे अश्विन, तो मैचअप बनेगा इनका, देखो इंडिया के खिलाफ 4 मैच में सिर्फ 68 रन है, वैसे तो बढ़िया प्लेयर है। बैट फर्स्ट 37 और 58 की एवरेज है, बैट सेकंड 41 और 35 की एवरेज है। ड्रेल मिचेल टेस्ट मैचेस में दोस्तों अभी तक 5 मैच खेले, 232 रन है, 58 की एवरेज है और इंडिया के खिलाफ नहीं खेले, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर इसका 81 मैच के अंदर 87 विकेट है, 38 की एवरेज है और 4300 के आसपास रन है। मिच सैटनर ये दोस्तों इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, बॉल को दोस्तों लटकाते हैं हवा के अंदर, 3 मैच के अंदर 10 विकेट है इंडिया के खिलाफ, टेस्ट मैचेस के अंदर लगभग 150 रन है। कैले जेमिसन 3 मैच 16 विकेट है, 114 रन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट अगर न्यूजीलैंड पहले गेंदबाजी करती है, अगर न्यूजीलैंड दोस्तों बॉल सेकंड करती है तो आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, बट इज ए ऑलराउंडर, ही कैन स्कोर सम रन विद द बैट। आएंगे ऐसे टिम साउदी, 8 मैच 246 रन 44 विकेट दोस्तों, भी गजब प्लेयर है, बहुत अच्छा इन्होंने दोस्तों लीड करा था अपनी टीम को, वो बात अलग है दोस्तों, एक भी मैच जीते नहीं थे पर क्लोज गए थे यार मैच एक दो। एजाज पटेल 1 मैच 0 विकेट है इंडिया के खिलाफ और उसके अंदर सेकंड इनिंग्स के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं। नील वेगनर का इंडिया के खिलाफ 6 मैचेस में 21 विकेट है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छे बॉलर है। अभी दोस्तों इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था चेतेश्वर पुजारा का, उन्होंने दोस्तों ये हिंट दिया था कि भाई जो पिच है ना कानपुर की ये स्पिन फ्रेंडली रहेगी, प्लस दोस्तों लोग जानते हैं कि नील वेगनर एक बहुत बड़े वो सकते हैं दिक्कत पैदा करने वाले गेंदबाज, ऐसा भी दोस्तों उन्होंने कहा था।
विल यंग ये आ सकते हैं, विल समरवेल आ सकते हैं, उन्होंने टेस्ट मैच के अंदर 4 मैच खेले, 15 विकेट है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर विल समरवेल इज ऑफ स्पिनर, 37 मैच 113 विकेट, ही कैन बैट, 700 रन, अच्छे प्लेयर है। रचिन रविंद्र आ सकते हैं यहाँ पे, 28 मैच खेले, रन दोस्तों इनके 1500 के आसपास है, 1600 कह सकते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर और 25 विकेट से। बात करें दोस्तों वेन्यू स्टैट्स की, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वेन्यू स्टैट्स, तो आप फोकस करो यहाँ पे, जब कानपुर के ऊपर मैच हुए, ग्रीन पार्क इसका नाम है वेन्यू का, केएल राहुल 70 रन है, इन्होंने दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ ही करा था 32 और 38, ये रन से दोस्तों उनके दोनों पारी में मिला के हो गए 70 रन, क्योंकि टेस्ट मैच में दोस्तों आपको पता है ये दो पारी होती है तो दो बार तो बैट करेंगे ना यार, 32 और 38 है। चेतेश्वर पुजारा ने यहाँ पे 150 रन करे थे, 62 और 78 करा था, सेम टीम थी न्यूजीलैंड। फिर जड्डू ने यहाँ पे 42 करे थे, 5 विकेट निकाले, दूसरी पारी के अंदर 50 रन नॉट आउट थे, 1 विकेट निकाला, तो दोस्तों अभी तक नाबाद है यहाँ पे। विद्यमान साहब यहाँ पे दोस्तों एक मैच खेले थे और उसके अंदर 0 रन था, अश्विन ने दोस्तों यहाँ पे 10 विकेट निकाले थे, 40 रन बनाए थे, ये दोस्तों गजब प्लेयर है। उमेश यादव ने यहाँ पे 1 विकेट निकाला था, तो समझ सकते हो पेसर्स को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बस पहली बारी में मदद मिलती है पेसर्स को, जो टीम पहले गेंदबाजी करती है। टॉम लैथम 58 और 2 यहाँ पे चेस करा था उन्होंने, केन विलियमसन 75 25 100 रन थे यहाँ पे एक मैच के अंदर, राष्ट्रीय के 17 थे, 200 रन आउट हो गए थे, अच्छे टच में दिखे थे। हाईलाइट जब दोस्तों मैंने चेक करी थी, मैथ सैटनर ये दोस्तों एक नंबर प्लेयर है, इन्होंने करा था यहाँ पर स्वैनी के ऊपर इंडिया के खिलाफ, 103 रन बनाए थे और 5 विकेट निकाले थे, टॉप क्लास दोस्तों प्लेयर है। नील वैगरे ने यहाँ पे 2 विकेट निकाला था। मैचेस की बात करते हैं तो केएल राहुल का स्ट्रगल है किसके अंदर, टेस्ट मैचेस के अंदर मिथ सैक्टर के सामने 25 गेंद 23 रन एक बार आउट हुए, शुभमन गिल वर्सेस नील वैगनर 3 गेंद 0 रन एक बार आउट हुए, टिम साउदी के सामने देखो आप यहाँ पे 41 गेंद 13 रन एक बार आउट हुए। चेतेश्वर पुजारा का आप देख लो स्ट्रगल है, मिथ सैक्टर के सामने 198 बॉल 85 रन 2 बार आउट हुए, टिम साउदी के सामने तो भाई दिक्कत है 43 गेंद 130 रन 3 बार आउट हुए। कायला जेमिसन 133 गेंद 22 रन 3 दफा दोस्तों आउट करा है कायला जेमिसन ने, इनकी दोस्तों हाइट अच्छी है, तो हाइट जब आती है ना, हाइटेड बॉलर जब आते हैं ना, तो क्या होता है पता आपको, बॉल पड़ने के बाद ना एक्स्ट्रा बाउंस लेती है, उसमें दोस्तों दिक्कत होती है और काटा भी बदलती है यार, वो एंगल से डालते हैं थोड़ा सा। फिर यहाँ पे वैगनर के सामने भी एक बार आउट हुए, मंग अग्रवाल वर्सेस टीम साउदी 46 बॉल्स 24 रन एक बार आउट हुए टेस्ट मैचेस के अंदर। अजिंक्य रहाणे कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, टीम साउदी के सामने देखो आप 35 रन है 136 गेंदों में 4 बार आउट हैं दोस्तों, टीम साउदी कैन बी द मैन। वैगनर 94 गेंद 67 रन दिए, 2 बार आउट करा है। सैटनर ने 207 गेंद में 111 रन देकर एक बार आउट करा है। विद्यमान सा येट टू बी डिसम्यूज बाय द करंट बॉलर, इनको जो ट्रेंट बोलर ने ज्यादातर आउट करा है और किसी ने आउट ही नहीं करा इनको। अश्विन की बात करते हैं, इनका स्ट्रगल टीम सऊदी के सामने 34 गेंद 35 रन 3 बार आउट है, मतलब थोड़ा भी बहुत तगड़ा है यार टीम सऊदी को, अश्विन ने रन बॉल मारा है, सैटनर के सामने अटकते हैं यार। जड्डू वर्सेस सैटनर आउट हुए एक बार, वैगनर इनको 2 बार फंसाया, 32 गेंद में 33 रन दिए हैं जड्डू को नील वैगनर ने। टॉम लैथम की बात करते हैं तो भाई साहब अश्विन से बच के रहना पड़ेगा इनको, 176 बॉल 80 रन 6 बार आउट हुए हैं। उमेश यादव ने 2 बार चलता करा है, ईशान ने 236 गेंद में 9 रन देकर 2 बार चलता करा है। टॉम ब्लेंडिन वर्सेस ईशान शर्मा 28 गेंद 9 रन एक बार आउट करा है। केन विलियमसन वर्सेस अश्विन 242 बॉल 146 रन 5 बार आउट हुए दोस्तों, और बड़ी बात क्या है ये जड्डू के सामने फंसते नहीं है, आज तक टेस्ट मैच में आउट ही नहीं हुआ जड्डू के सामने ये केन विलियमसन। ईशान शर्मा 2 बार परेशान कर चुके हैं, आएंगे रॉस टेलर, इनका दोस्तों मैचअप बनता है किसके सामने, जड्डू के सामने 36 रन है 107 गेंदों में 2 बार आउट हुए हैं। अश्विन के सामने भी दोस्तों कभी कभी फंस जाते हैं, 110 गेंदों में 205 रन 5 बार आउट हुए हैं। ईशांत के सामने 4 बार आउट हुए दोस्तों, ईशांत फंसा सकते हैं। निकल्स वर्सेस जड्डू, ईशांत शर्मा ने भी एक बार आउट करा है, अश्विन ने भी एक बार चलता करा है। मैथ सैटनर का स्ट्रगल है यहाँ पे जड्डू के सामने, अश्विन दोस्तों आउट कर सकते हैं क्योंकि मैथ सैटनर इज ए लेफ्टी बैटर वेर एस अश्विन इज ए ऑफ स्पिनर। 149 बॉल 69 रन है 3 बार आउट हो चुके हैं। अब देखो दोस्तों आपको न्यूजीलैंड के बैटर्स की वीकनेस कैसे पकड़नी है, टॉम लैथम का स्ट्रगल देखो कैसे होता है, इनका दोस्तों दिक्कत होती है इन स्विंग के अंदर जो दोस्तों ईशांत शर्मा डालते हैं ठीक है, और ऑफ स्पिन इनको परेशान कर सकती है, टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप पे जाके बॉल लगती है। तब केन विलियमसन की बात करते हैं, इनको दोस्तों कैसे आउट करना है, गुडी लेंथ की वाली बॉल डालो आप ठीक है, आउट स्विंगर डालो इनको, आउट स्विंगर से दोस्तों बहुत दिक्कत होती है केन विलियमसन को। टेलर की बात करते हैं, इनको भी दोस्तों आउट स्विंगर से बहुत दिक्कत होती है, एकदम जोर से पैड के ऊपर बॉल डालो इनको, पैड से रहते हैं ना दोस्तों स्टंप के सामने ट्रैप करो इनको, सबसे बेस्ट होता है ये टेलर को आउट करने का ऑप्शन। हेनरी निकल्स वर्सेस ऑप्शन, चौथे स्टंप पे दोस्तों डालो आप, स्लिप लगा लो एक दो, उसमें दोस्तों फंसते हैं बहुत ज़्यादा, सिल्ली मिड और मिड आउट लगा लो ठीक है, उसमें भी फंस जाएंगे। डैरिल मिचेल इन स्विंग के सामने फंसते हैं और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स को बहुत परेशान करते हैं, तो अक्षर पटेल और जड्डू रहेंगे वहाँ पे। कॉमन कैप्टन केएल राहुल, केन विलियमसन, बड़ी लिस्ट में आप बनाओ यहाँ पे केन को, जड्डू को, मिथ सैटनर, अश्विन को, 4 दोस्तों टॉप मोस्ट पिक्स अलग जाना है, ट्राई करना राणे पुजारा रॉस टेलर को। बात करेंगे टीम्स की, यहाँ पर दोस्तों कीपर है टॉम ब्लेंडिन, वाइस कैप्टन दोस्तों यहाँ पर है जड्डू, कैप्टन अश्विन है दोस्तों, वही रीजन है दोस्तों वर्ल्ड क्लास प्लेयर है अश्विन,
प्रेशर को दोस्तों जानते हैं, किस तरह से हैंडल करना है, कहाँ पे दोस्तों टप्पा रखना है, लेंथ कहाँ रखनी है दोस्तों। अक्षर पटेल भी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, खेलते हैं तो सही है। सैटनर, हिजाज पटेल, नील वैगनर, यहाँ पे दोस्तों लेना था काले जेमिसन को, लेकिन दोस्तों क्रेडिट के अंदर आपको दिक्कत आती, आपके पास क्रेडिट बचते ही नहीं जो अपन बोलते हैं सो क्रेडिट। फिर यहाँ पे देखो केएल राहुल है, विलियमसन, पुजारा है। पुजारा दोस्तों इस ट्रेनिंग के ऊपर 140 रन करे थे लास्ट टाइम जब खेले थे, तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मेरे हिसाब से दोस्तों। टॉम ब्लेंडन विल बी द गुड पिक, रिद्धिमान से आप ट्राई कर सकते हो। कीपर से दोस्तों कैचिंग के पॉइंट बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो आपको दोस्तों लगता है इंडिया यहाँ पे मैच निकाल सकती है तो आप रिद्धिमान साहब को बना सकते हो, टीम के अंदर ले सकते हो। दोनों प्लेयर्स दोस्तों अच्छे हैं कीपिंग में दिखाता है, तो बस ऊपर खेलेंगे तो उनको ज़्यादा चांस है बैट करने का। टॉम ब्लेंडन को ये दोस्तों रीज़न है, आप ऐसे मत सोचना कि भाई न्यूजीलैंड को यहाँ पे निकालने के लिए भाई साहब ने बना रखा, ऐसा नहीं यार। विलियमसन यहाँ पे हो गए दोस्तों टॉप क्लास प्लेयर है, केएल राहुल दोस्तों एक जानदार प्लेयर है। रॉस टेलर आएंगे यहाँ पे, ये भी दोस्तों उमदा प्लेयर है, अपने दिन के हिसाब से दोस्तों बहुत तगड़ा चलता है, इज द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर फ्रॉम दिस टीम अपन कह सकते हैं दोस्तों। रॉस द टेलर अपन कह सकते हैं इनको। आएंगे पुजारा, ये भी दोस्तों सब जानते हैं, मैं किन के बारे में बता रहा हूँ। पुजारा स्टीव स्मिथ दोस्तों को बोला जाता है इंग्लैंड के अंदर, पता नहीं दोस्तों क्या रीज़न है। फिर ये बहुत बढ़िया प्लेयर है राणे दोस्तों, आप ट्राई कर सकते हो। अग्रवाल एक अच्छे पिक हो सकते हैं। शुभमन गिल दोस्तों लोडर में खेलेंगे तो फिर थोड़े रिस्क हो जाएंगे यार। लैथम आप ट्राई करना, बस ऑफ स्पिन का दिक्कत रहेगी, वही बात है दोस्तों। लैथम एक अच्छे प्लेयर है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, बहुत मेहनती बंदा है। आपको याद रहेगा जब बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड की T20 सीरीज थी, भाई ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था वहाँ पे, दो मैचेस में 50 करा था उसने इतनी स्लो पिच के ऊपर। यहाँ पे जड्डू है इंपॉर्टेंट, अश्विन इंपॉर्टेंट, सैटनर इंपॉर्टेंट है, अक्षर पटेल इंपॉर्टेंट है, ये चार दोस्तों स्पिनर्स है, तो चार आपको लेके चलना है। पांचवा भी दोस्तों स्पिनर ही है रचिन रविंद्रा, तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हो। फिर यहाँ पे टीम साउदी एक ठीक पिक है दोस्तों। जेमिसन कैन बैट, वही बात है, शर्मा जी दोस्तों अच्छी बॉलिंग कराते हैं, सिराज भी दोस्तों ठीक गेंदबाज है, वो चीज़ मतलब है कि पेसर्स थोड़े से यार रिस्की होते हैं हमेशा। वैगनर ट्राई कर सकते हो, ये भी दोस्तों बैट कर सकते हैं वैगनर। एजाज पटेल दोस्तों स्पिनर से ज़्यादा डाल सकते हैं ये, या बिल सोमरवेल में से कोई एक खेलेगा, बिल सोमरवेल खेलते हैं तो आप इनको भी पिक कर सकते हो। मैं शायद उन्हीं को ले लूँगा जो खेलता है, और कोई भी फर्दर अपडेट्स आई आपको दे दूँगा। टेलीग्राम के ऊपर कैसे जुड़ना है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। चैनल पे दोस्तों न्यू तो यार सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, ठीक है यार, बेल आइकन हिट कर दो, पूरी मेहनत दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा करूँगा दोस्तों। सुपर स्मैश कप आ रहा है फिर दोस्तों, आ रही है क्या बिग बैश लीग, आवर फेवरेट लीग दोस्तों, ठीक है, द ग्रैंडेस्ट T20, तो दोस्तों आपको वेट करना है, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू गाइस, जय हिंद।